नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जयचंद वास्तव में कौन था और क्या जयचंद वास्तव में विश्वासघात का प्रतीक है। जब कभी आप किसी को गद्दार कहते हैं, जब कभी आपको लगता है कि आपके मित्र ने आपके साथ दगाबाजी किया, कोई व्यक्ति चुनाव हार गया तो उसने हमेशा से एक जिक्र किया कि एक व्यक्ति के चलते हार गया जो जयचंद है, एक दोस्त के चलते ऐसा हो गया जो जयचंद है, एक गद्दार के चलते पूरी योजना फ्लॉप हो गई जो कि जयचंद है। जयचंद वास्तव में कौन था, इस पर बात करेंगे। जयचंद का किला भी दिखाएंगे आपको कि क्या जयचंद जो है वास्तव में एक गद्दार ही था या फिर वो भी एक बहुत बड़ा और बहुत प्रतापी राजा था, क्या सच है। हालांकि 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी के हाथों खुद जयचंद मारा गया। उसके बाद उसका बेटा हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गोरी की सेना को परास्त किया था। वर्तमान में जो वाराणसी का इलाका है, कन्नौज का इलाका है, इस इलाके में जयचंद का शासन हुआ करता था। राठौर वंश के थे जयचंद। पृथ्वीराज चौहान के वो एक चचेरा भाई थे और चचेरा भाई होने के बाद उनका भी उस जो राष्ट्र था उस समय, वो जो वंश था उसमें उनका भी अधिकार था। जब दिल्ली की राजगद्दी, देखिए दो कारण से समझिए कि क्यों इतना चर्चा में जयचंद आ गया और जयचंद क्यों लोग बोलना शुरू कर दिए। जब दिल्ली की राजगद्दी पृथ्वीराज चौहान को मिल गई तो इससे जयचंद काफी नाराज हो गए और जयचंद की पुत्री संजोजिता के साथ प्रेम प्रसंग पृथ्वीराज चौहान का था, स्वयंवर चल रहा था और जयचंद ये शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उसे जबरन वहां से संजोजिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान चले गए और इसकी ये दो कारण से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी हो गई। वो उनके दूर के रिश्तेदार भी माने जाते हैं राठौर वंश में। पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी इतिहास में जाने जाते हैं। जब आप चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो उसमें तमाम जानकारी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दूसरी पुस्तक में भी ये सब चीजों को बताया गया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि मोहम्मद गोरी जो पूर्व में कई बार पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था, जब जयचंद के साथ ऐसा हुआ, जब उसकी बेटी के साथ जबरन विवाह कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने, तो इसका बदला लेने के लिए इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गोरी जो बार बार हार रहा था, तराइन का जब युद्ध हुआ पहला युद्ध तो उसमें जयचंद उनके साथ खड़े थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ थे और गोरी को हरा दिया था, लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तो जयचंद ने साथ नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान उसमें पकड़े गए, बंदी बनाकर रखा गया। आपने वो सुनी होगी, एक बहुत लोकप्रिय कथन है, चार बांस 24 गज अंगुलस्थ प्रधान, इतने पे सुल्तान है मत चूको चौहान। और ये जो माना जाता था कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो बहुत बड़े निशानेबाज थे और टारगेट वो आवाज सुन के कर लेते थे, दूरी डिस्टेंस सिर्फ बता देने से कर लेते थे। तो जयचंद के चलते मोहम्मद गोरी आया भारत, इसको समझिए। और मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो सीधे तौर पर इसमें जिक्र हो गया जयचंद का कि उसके सपोर्ट के बिना वो नहीं आएगा। और इसके भी कारण क्या था, तो उस समय गुजरात में एक राजा थे भीमा नाम के, उस राजा के साथ जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद पृथ्वीराज चौहान जीत तो गए लेकिन उनकी सेना को भारी नुकसान हुई थी और ये जानकारी जाकर के जयचंद ने मोहम्मद गोरी को दे दिया कि ये सही समय है पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देने का। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इस युद्ध में पकड़े गए। हालांकि मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता था कि वो लूट करके चला जाएगा, लेकिन ये क्या पता था जयचंद को कि वो शासन करने लगेगा। और यही कारण था कि जयचंद को बाद में युद्ध लड़नी पड़ी और वो जयचंद बाद में मारा भी गया। और इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि जो भारत में
जिस प्रकार से विदेशी आक्रमण की शुरुआत हो गई मोहम्मद गोरी के समय में, इस्लामिक राज्य की जो शुरुआत हो गई जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने शुरू किया, वो भूल जयचंद की थी। अगर जयचंद ने उस समय ऐसा नहीं किया होता तो संभवतः भारत में जो हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाह रहे थे पृथ्वीराज चौहान, वो संभवतः बन जाता। इतिहासकारों के बारे में है और उसी चीज का हम आपको जिक्र कर रहे हैं। तो आप ये भी समझने की कोशिश करें कि जो आज वाराणसी है, गंगा का बेसिन है, ये वाला इलाका में किसी जमाने में राठौर वंश राजपूतों का शासन था और विजय चंद्र का जो पुत्र थे जयचंद, वो 1170 से 1194 तक इस इलाके में शासन कर रहे थे। अब देखिए, माना जाता है कि जयचंद का 10 लाख सैनिक हमेशा रहता था, 1000 से ज्यादा हाथी उसके पास रहते थे और जैसे जैसे ये साम्राज्य आगे बढ़ा तो 1192 में तराइन के युद्ध में जब गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया तो जयचंद को उसने शहंशाह सम्राट को उपाधि भी दे दिया और एक बड़ा क्षेत्र दे दिया कि जाओ जयचंद, आपको हमने दिया, आप राजा यहां पर बन जाइए। जाहिर सी चीज है कि इससे जयचंद काफी खुश हो गए और शुरुआती समय में मोहम्मद गोरी को वो बहुत ज्यादा मदद करने लगे। हालांकि जब मोहम्मद गोरी यहां से वापस लौट रहा था अपनी संपत्ति लेकर के, तो हरियाणा के जाटों ने लगातार उस पर आक्रमण किया। किसी प्रकार से बचते बचाते जब वो पंजाब सिंध प्रांत में गया तो खोखर जनजातियों ने उनकी हत्या कर दी मोहम्मद गोरी की और भारत में एक नया साम्राज्य हो गया। जयचंद नाम यहीं से हिट होता है कि जयचंद की गलती के वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश यहां रह गया और बाद में उसने एक गुलाम वंश की नींव रखी जो लाबरी डायनेस्टी या तुर्क डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, मामेलुक भी कहते हैं उसको। और उसके बाद ही देखिए भारत में गुलाम के बाद ही खिलजी आ गए, तो खिलजी वंश भी यहां पर शुरू हो गया। ये सबकी गलती लोग जयचंद को मानते हैं कि अगर जयचंद नहीं होता तो संभवतः मोहम्मद गोरी जीत ही नहीं पाते और मोहम्मद गोरी अगर नहीं जीत पाते तो भारत में कोई भी नया साम्राज्य नहीं हो सकता था। उसके बाद तुगलक आ गए, तुगलक के बाद सैयद आ गए, फिर लोधी आ गया और उसके बाद मुगल काल हुआ जो एक लंबी आप कहानी देखते हैं इतिहास में। ये चीजें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं? ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हमारे भारत में कई वंशों का शासन हुआ है लेकिन बीच बीच में जो विदेशी आक्रमणकारी आए तो वहां से गद्दार शब्द आ गया। ऐसा नहीं है कि जयचंद को ही गद्दार कहा जाता है। अगर आक्रमण में देखेंगे तो जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था उस समय राजकुमार अंबी कुमार, जो अंबी कुमार थे, उन्होंने सिकंदर की मदद की। हालांकि बाद में उनको भी सिकंदर से युद्ध करना पड़ा और उसके बाद ही सिकंदर भारत की ओर आक्रमण करने में सक्सेस हुआ था। तो ये पहला गद्दार जब आप बोलते हैं तो अंबी कुमार का नाम आ जाता है। इसी प्रकार से आपने रामायण में सुना होगा कि विभीषण अगर नहीं होते तो संभवतः रावण को नहीं हराया जाता। तो ये चीज इतिहास काल से ही चला आ रहा है और इसलिए जयचंद शब्द आप अक्सर यूज करते हैं। हालांकि राठौर वंश जो है, उनके जो वंशज हैं उस इलाके में, वो काफी नाराज हैं इससे और वो मानते हैं कि अगर जयचंद मोहम्मद गोरी का समर्थक था तो फिर युद्ध क्यों हुआ और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को ही क्यों मार दिया। इसलिए कि वो भी एक बहादुर राजा था ये माना जा रहा है वहां पर। तो राठौर वंश के वंशजों ने इनाम की घोषणा कर दी है कि जो लोग बता देंगे, साबित कर देंगे कि वास्तव में जयचंद जो है वो गद्दार था, विश्वासघाती था, तो उनको 151,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। अब देखिए इतिहास में अलग अलग चीजें हैं लेकिन जो चीजें एक बार सामने आ जाती है तो वो चलती रहती और जयचंद नाम सुनते साथ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं कि जयचंद क्यों बोला जा रहा है, गद्दार क्यों बोला जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों के बीच एक रिलेशन था, दोनों रिलेटिव थे, दोनों दूर के एक संबंधी भी थे। सिर्फ ये लड़ाई जो थी दो कारण से हुई। एक दिल्ली का जब बादशाह, दिल्ली का जब राजतिलक था
वो पृथ्वीराज चौहान की जिम में चला गया, इससे जयचंद नाराज हो गए। और दूसरा, जब जयचंद की पुत्री को जबरन भगाकर पृथ्वीराज चौहान लेकर चले गए तो इससे भी जयचंद काफी नाराज थे। और उसके बाद जो उन्होंने सपोर्ट किया, इसके चलते आज वो जयचंद का जिक्र होता है। चाहे वो किसी भी राज्य में आप रहते होंगे, छोटी छोटी बातों में लोग अक्सर बोल जाते